चलो बच्चे, इस क्वेश्चन को जरा देखिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इस प्रश्न को पढ़िए और अपना बेस्ट प्रयास करिए इसको बनने का, और जब नहीं बने तब जाकर आप इस सॉल्यूशन को देखिए। चलो बच्चे मैं स्टार्ट करता हूँ। सवाल कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार के समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है बच्चे? एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, राइट? समकोण, राइट है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है, वो कौन सा भुजा बच्चे? कर्ण। एक कर्ण होगा और कर्ण की लंबाई आपको कितना दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। कहता है इस प्रकार से बनी समकोण त्रिभुज का अधिकतम मैक्सिमम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? और हम मान लेते हैं ये लंबाई b है और ये लंबाई है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना आधार बना हो जाए। ये समकोण त्रिभुज का क्या होता है बच्चे? क्षेत्रफल होता है एरिया का फल। आप बताओ ये मैक्सिमम कब होगा? तो आप कहोगे कि 1/2 तो फिक्स है। 1/2 क्या है आपका? फिक्स। डिपेंड किस पे करेगा? b into b, यानी b और b यानी आधार और ऊंचाई का गुणनफल जितना मैक्सिमम होगा एरिया उतना ही मैक्सिमम आएगा। तो और बच्चे हम लोग का टारगेट यही होना चाहिए कि b into p का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इस चीज पे आपको चिंतन करना होगा। तो चलिए यही चीज पता करने के लिए हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो देखो बच्चे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। मैं यहां लिख देता हूं, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a, और इसी फॉर्मूले को मैं यहां यूज कर रहा हूं। इसे मैं लिख सकता हूं उसी फॉर्मूले के आधार पर p माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2pb इज इक्वल टू 1। यहां से 2pb का वैल्यू मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है, तो 100 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा p माइनस b का होल स्क्वायर, राइट बच्चे? हमें चाहिए p into b का मैक्सिमम वैल्यू। p into b मैक्सिमम मतलब 2pb का मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मतलब pb मैक्सिमम, दोनों बात सेम ही है। तो आप बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू यदि पता कर लेंगे 2 into p into b का, तो p into b का तो मैक्सिमम मिल ही जाएगा। तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? RHS को जरा देखिए और यहां से थोड़ा सा थिंकिंग करिए, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू दिखेगा। देखो बच्चे ये क्या लिखा हुआ, 100 माइनस p माइनस b का होल स्क्वायर। यहां देख के हम लोग को ये पता चल रहा है कि 100 तो फिक्स है, इसमें माइनस क्या हो रहा है? p माइनस b का होल स्क्वायर। यानी 100 में जितना बड़ा वैल्यू हम माइनस करते जाएंगे उतना ही इसका मान क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जरा इस बात को ध्यान से सुनने के साथ चिंतन भी करना कि 100 में p माइनस b का होल स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू जितना अधिक से अधिक आप रखोगे उतना ही इसका वैल्यू क्या होगा? छोटा होता जाएगा, क्योंकि 100 फिक्स है, यहां आप बढ़ाते जाएंगे इसका वैल्यू कंप्लीट क्या होता जाएगा? मतलब यहां से पता चल रहा है कि p माइनस b का जितना मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे उतना ही इसका मान क्या होगा? छोटा होगा। हमें चाहिए इसका मैक्सिमम मान, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू रखना होगा। p माइनस b का क्या रखना होगा? मिनिमम वैल्यू। आइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा। देखो बच्चे दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल और उसका स्क्वायर का यदि पूछे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो देखिए दो संख्या को, दो वेरिएबल को जो माइनस करेंगे तो तीन संभावना है, या तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है a माइनस b का, या तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, या तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। यदि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही,
और एक तीसरी संभावना क्या है, ए माइनस बी का वैल्यू जीरो होने का, और ए माइनस बी यदि जीरो हुआ इसका मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि निगेटिव से भी ये पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव से भी पॉजिटिव, इसका मतलब इसका मिनिमम मान क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यहां इसका मिनिमम वैल्यू रखने से इसका हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, यानी यहां से तय हुआ कि p into b का जो वैल्यू है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 into p into b का मैक्सिमम मान हो सकता है 100, क्योंकि ये संभावना है कि p minus b का आखिर क्या मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, और जैसे ही आप 0 रखेंगे इसका मतलब 2pb का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। ये संभावना पॉसिबिलिटी कितना सोच सकते हो, आखिर इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो निर्णय लेने के बाद ये साबित हुआ कि p minus b का मिनिमम वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल का डिफरेंस का स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है, और ये मिनिमम रखेंगे इसका मतलब ये मैक्सिमम आएगा, और हमें मैक्सिमम भी चाहिए था। तो यहां से p into b का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गया बच्चे, 50, 2 से कटा लीजिएगा कितने बार में, 50 बार में, यानी p into b का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, 50। जब p into b मैक्सिमम मिल गया मतलब मैक्सिमम एरिया हम लोगों ने पता कर लिया, मैक्सिमम एरिया पूछा था आपसे, मैक्सिमम एरिया वो किसके बराबर हो गया, 1/2 p into b का वैल्यू बैठा दीजिए 50, दैट इज सॉल्व करेंगे कितना, 25, ऑप्शन जरूर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाए, थैंक यू वेरी मच।